दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आशा करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। ललितपुर में एक पत्रकार के लिए 10 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, सत्य बोलने पर, सत्य लिखने पर, या फिर ये कहें कि जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं लिखा, नहीं बोले, तो नोटिस भेज दिया गया है 10 करोड़ का। ललितपुर के इतिहास में मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूं पत्रकारिता के कि किसी भी एसओ या कोतवाल ने 10 करोड़ का नोटिस भेजा है पत्रकार के लिए, वो भी एक तहसील संवाददाता। सौरभ जैन तालवेट में भारत समाचार के तहसील संवाददाता है, इसके साथ साथ दैनिक जनप्रिय में भी वो वहां कामकाज देखते हैं। स्पष्ट है, मुखर है, जनता के मुद्दों पर खुलकर लिखते हैं, बोलते भी। जो चापलूस होंगे, जो दरबारी होंगे, जो दलाल होंगे, जो आस्तीन के सांप होंगे, शायद उन्हें इस चीज को सही नहीं लगता होगा, और जो चरणवंदना में लगे रहते हैं वो हमेशा ऐसे लोगों को गलत मानते हैं और वो उनकी आंखों में चुभते हैं। तेरी फाटक की एक घटना थी जिसको लेके सौरभ जैन ने खबर चलाई, तमाम मीडिया वालों ने खबर चलाई और जो आरोप लग रहे थे उसके आधार पर खबर चली। पुलिस की जांच क्या है, क्या जांच रिपोर्ट में आया, ये पुलिस सार्वजनिक करे ज्यादा अच्छा है। लेकिन केवल सौरभ जैन के लिए 10 करोड़ का नोटिस भेज दिया गया, थमा दिया गया है। उसका मानसिक शारीरिक तौर पर शोषण किया जा रहा है। ये तो 10 करोड़ का नोटिस एक एसओ के पास है, कोतवाल के पास 10 करोड़ का नोटिस भेज देना, मतलब माल पानी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं। इसके बाद सामने वाले को 10 करोड़ का नोटिस देके क्या बताना चाहते थे तालवेट कोतवाल। इसके साथ क्या ललितपुर एसपी को ये पता नहीं था कि तालवेट कोतवाल ने 10 करोड़ का नोटिस भेजा है, और तालवेट कोतवाल की इतनी हिम्मत कैसे हो गई बिना एसपी से पूछे 10 करोड़ के नोटिस की। सवाल खड़े होते हैं, आखिर किसके इशारे पर तालवेट कोतवाल ने 10 करोड़ का नोटिस एक पत्रकार के लिए थमा दिया, किस उद्देश्य के साथ? क्या तालवेट की अनियमितताओं पर बात करना पाप हो गया है? आपकी कार्य प्रणाली पर सवाल पूछना क्या पाप हो गया है? तालवेट में आपने क्या किया है? वहां अवैध शराब का काम बंद हो गया, अवैध खनन के लिए आपने बड़ी कार्रवाई की, वहां की गुंडों पर बड़ी कार्रवाई की, वहां की यातायात व्यवस्था सुधार दी, कौन सी चीज ऐसी अच्छी होगी जहां तालवेट की जनता आपके लिए जय जयकार करती, फिर चरणवंदना करती, फिर दरबारी को करी रहे होंगी चरणवंदना। आम जनता की आवाज दबाने का काम इस नोटिस के माध्यम से किया जा रहा है। एक बात और सामने आई, एसपी के सामने जब चर्चा हो रही थी, डीएम को भी बताया गया है, तब जब पता चला कि उस पत्रकार के लिए जिसने खबर चलाई उसको नोटिस तो थमाई दिया, उसकी रैकी की जा रही है, उसकी गाड़ी को रोका जाए, उसको चेकिंग की जा रही है, उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाए, उसे डराया जा रहा है केसों में फंसाने को लेकर, तमाम लोगों से कहा जा रहा है उसके खिलाफ शिकायत पत्र दो, कुछ करें, कुछ देखें, जो खन्ना से वो निकले कहीं से। ये है ललितपुर पुलिस, और एसपी है निखिल पाठक। एसपी साहब को पता नहीं है कि उनके एसओ साहब क्या कर रहे हैं, या कोतवाल साहब, ऐसे कोतवाल को तत्काल प्रभाव से तालवेट का चार्ज से हटा देना चाहिए। जो एसपी की बात ना माने, जो विभाग से हटके काम करे, और जब एसपी से बात हुई तो बताए तो उनका पर्टिकुलर मैटर है, व्यक्तिगत मैटर है। मैं पूछना चाहता हूं ललितपुर एसपी से कि क्या कुर्सी से सवाल पूछना व्यक्तिगत हो जाता है? उस कुर्सी पर बैठकर कोतवाल साहब अपना कौन सा व्यक्तिगत काम कर रहे थे तालवेट कोतवाल में? उस समय जनता के मुद्दे पर ही वो काम कर रहे थे, तो जनता के मुद्दे पर ही पत्रकार सवाल पूछ रहा था, खबर चला रहा था। ललितपुर ऑफिस में जब वो एसपी ऑफिस में महिला आई तो किस प्रकार का ड्रामा हो रहा था? किसी को छुपाया क्या? किस प्रकार से वो महिला आरोप लगाई तो किसी ने छुपाया क्या? आपने भी जांच कराई होगी, उसमें भी पता चला होगा कि हकीकत क्या है। राजनीति, गुटबाजी तालवेट में किस प्रकार की होती है सबको पता है, पूरे जिले को पता है, तमाम मीडिया के लोग और अधिकारी जानते हैं।
और किस प्रकार से ताल बैठ रहे हैं। मीडिया में भी दो फाड़ है, कोई किसी छुपा हुआ नहीं है। एक अधिकारियों की चरण वंदना के लिए तो एक अधिकारियों की अनियमितताओं पर आवाज उठाने के लिए। चरण वंदना करने वालों की साठगांठ और आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने का काम इस समय ताल बैठ में देखने को मिल रहा है। मैं ललितपुर एसपी से इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका चार्ज पहला चार्ज है शायद अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत कुछ उपलब्धियां इस कार्यकाल में मिली हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं जो आपकी साख पर बट्टा लगा रही है। कदम हटाइए एसपी साहब, ऐसा ना हो कि ललितपुर से बड़े बेआबरू होके जाएं। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।